आज भारत में फर्स्ट टाइम नैनो फर्टिलाइज़र नैनो यूरिया का इंट्रोडक्शन किया गया फार्मर्स के प्रयोग के लिए। इफको ने नैनो यूरिया का जो लॉन्च किया है, ये पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। ये साधारण यूरिया से बहुत मायनों में बेहतर है। जब इसका नैनो यूरिया का फोलियर स्प्रे करते हैं तो पौधा इसको इफेक्टिवली अपटेक करता है, और साधारण यूरिया से जो नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, या अमोनिया का इमिशन होता है, या हमारे ज़मीन की अम्लीयता बढ़ जाती है, या हमारे पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, उन सारी समस्याओं को यह नैनो फर्टिलाइज़र उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। इसकी रिक्वायरमेंट साधारण यूरिया की तुलना में बहुत कम होती है, और पौधा इसको बहुत एफिशिएंटली अपटेक करके न केवल उत्पादन को बढ़ाता है, लेकिन इससे पौधे से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें पोषण की मात्रा भी अधिक होती है। इसको भारत में 11,000 से अधिक जगहों पर इसका परीक्षण किया गया किसानों के खेतों में, और 20 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में इसका परीक्षण किया गया, और ऐसा पाया गया कि नैनो यूरिया के प्रयोग से हम लगभग 50% तक जो यूरिया का प्रयोग करते हैं उसको कम किया जा सकता है। मैं भारत सरकार एवं इफको के मैनेजमेंट एवं स्पेशली उसके मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर यूएस अवस्थी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस नैनो यूरिया को भारत के किसानों के लिए आज इंट्रोड्यूस किया। 2015 से हम भारत के प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को इस बात के लिए लिख रहे थे। भारत सरकार ने विभिन्न चरणों पर इसकी चर्चाएं की, और मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बात को कंसिडर किया, और भारत सरकार का हमें पूर्णतया इस इंट्रोडक्शन के लिए सहयोग मिला है कि किस प्रकार नवीनतम तकनीकों से किसानों का फायदा किया जा सके, किसानों को लाभ पहुँचाया जा सके। इसके लिए मैं भारत सरकार के सभी अधिकारियों, मंत्रियों एवं परिषद के सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और इफको मैनेजमेंट का आभार प्रकट करता हूँ। स्पेशली रिसर्चर होने के नाते ये एक ड्रीम होता है किसी भी रिसर्चर का, कि जो वो लैब स्केल पर और रिसर्च लेवल पर जो रिसर्च करता है उसको किस प्रकार मानव के बेनिफिट के लिए, एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए ट्रांसलेशन किया जा सके। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज जो हमने लैब स्केल पर जो एक हाइपोथेसिस दिया था, जो रिसर्च किया था कि किस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए फर्टिलाइजर्स को फार्मर्स के खेतों में इसका उपयोग किया जा सके, उसका हमने आज सक्सेसफुल ट्रांसलेशन किया है। दिस इज़ अ वेरी लक्की डे एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस डे। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द रिसर्चर्स हु हेल्प मी, ऑल द साइंटिस्ट्स हु हेल्प मी टू डेवलप दिस, एंड दिस इज़ अ ट्रू सक्सेस ऑफ ऑल माई लैब मेम्बर्स एंड टीम मेम्बर्स। द सक्सेस लाइज इन द टीम, एंड देर आर लाइक लॉट ऑफ चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर इन द टाइम टू कम, सो वी ऑल हैव टू वर्क टूगेदर इन अ कोलाबरेटिव मैनर एंड टू मिटिगेट दैम एंड टू हैव ए बेटर टेक्नोलॉजीज फॉर द टाइम टू कम एंड टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी फॉर द एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। एंड आई बिलीव दैट नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ पोटेंशियल टू प्ले ए वेरी बिग रोल फॉर द सस्टेनेबल एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर। In the time to come, we will reveal more information about this product as well as other products related to nanotechnology for agriculture, and I hope to collaborate with the scientists across the world and take this technology forward for not only for agriculture but environment, medicines, semiconductor technologies and all across. With that, I would like to thank you all, because today I was getting calls from all across regarding this, so I thought that I would like to share my thoughts on this. Thank you so much, and much appreciate to all of you for your kind wishes and blessings. Thank you all.